ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਲੰਡਨ ਆਪਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੁਰ ਕੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਢ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਢ ਵਾਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਰਾਂ ਬੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੂ, ਉਰਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪੈਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਇੰਦਾ ਇਸਕੋ ਵੇਚਣਾ ਤੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਫੇ ਮੇਂ ਵੇਚੇ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਂ ਵੇਚੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਅਲੀ ਬਾਦਾਮੀ। गुज़श्ता दिनों साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जब पीटीआई के कारकुन्स मुख्तलिफ एहतजाज करने के लिए घरों से निकले और इन पर मुख्तलिफ एफआईआर काटेंगे और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कल अपने हवारियों के साथ रेड जोन में दाखिल हुए और दफ़ा 144 होने के बावजूद भी इन पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया कि जबकि पीटीआई के जब लोग निकले हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, जबकि जब मौलाना फजल रहमान अपनी टीम के साथ डंडे सोटे लेके अपनी जमात के लोगों को पीडीएम ने जब एहतजाज किया है और रेड जोन के अंदर दाखिल हुए हैं तो इनको कोई पूछने वाला नहीं था, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि ये इस पर क्या अपनी राय देते हैं। अच्छा गुज़श्ता जिन्होंने जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो पीटीआई के लोग जब एहतजाज के लिए निकले हैं तो इन पर दफ़ा 144 भी नाफज की गई है और इनके लोगों को एफआईआर काटिंग ही पकड़ा गया है। कल मौलाना फजल रहमान अपनी टीम और अपनी हवारियों के साथ डंडे सोटे लेके वो रेड जोन में दाखिल हुआ है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इनका पूछने वाला नहीं था, आप इस पर क्या किया? मेरे दोस्तों मेरे बराबो, जो इमरान खान ज्यादती क्योंकि जी नॉन लीग हैगी ना, एक ना ड्रामा किया है आटे का उरा पर लोगों जलील किया है। एक मजदूर आदमी 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाता है और सारे ने लैंड खो खो तो जलील हो जाता, इनकी बगैरती है। मेरे ब्रावो मेरे दोस्तों, क्योंकि पीटीआई से पीछे जाओ तो पीटीआई की सपोर्ट हो, क्योंकि ना मेरी गुजारिश है जो इमरान खान कहते ना ज्यादती से बड़ा बड़ा जुलम होया है। अच्छा ये जो महंगाई हुई है पिछले एक साल के अंदर इसकी सतह डबल से ट्रिपल हुई है, आप क्या कारोबार करते हैं, कोई पहले से बेहतर है काम या कम है? भाई जान पहले से बिल्कुल कम है, साड़ा काम टेंटा का है। एक मजदूर न लियाने उनकी दिहाड़ी है 1000 रुपया 24 घंटे चलता, कहता मेरी दिहाड़ी भाई 1000 रुपया है तो मैं 24 घंटे चलना, दिहाड़ी मेरी घट तो घट 1500 है। साढ़े ना मजदूर जाता जी तो टेंटा की फर्म के लोग जलील हो जाते हैं। कुर्सी हैगी सी 1200 की, 3500 की कर दी, 3500 की एक वो कुर्सी हो गई है, एक चेयर है ना 3500 की कर दी है। इसके साथ आप काम कर रहे हैं तो जब आगे रेंट पे देते हैं तो इसका किराया भी तो आखिर फिर बड़ा होगा ना, डबल ट्रिपल हुआ होगा, वो नहीं हुआ? नहीं नहीं किराया भी वो ही रही है, कोई डबल नहीं होया लोगों के, क्योंकि जरा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्योंकि जो पीपल पार्टी है जो भी नुमिंदे पीपल पार्टी के हमारे साथ जो भी दोस्त भाई है ना, लेकिन पीपल पार्टी के पीछे फुल सपोर्ट दे। आप शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देंगे जो वजीर आजम पाकिस्तान है? जो शहबाज शरीफ के साडे असीं उन्हें वेखना ही नहीं चाहते है यार, जो इन्हें ज्यादती तो जुलम इमरान खान किया नविंद, लेकिन असीं उन्हें वेखना ही नहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहते है, उन्होंने बारे कुछ भी नहीं कह सकते। गुज़श्ता दिन इमरान खान को पकड़ा गया है, उसके बाद इनके जो लोग जब बाहर निकले हैं इन पर मुख्तलिफ एफआईआर भी काटेंगी, इनको पकड़ा भी गया है, तो कल मौलाना फजल रहमान अपने हवारियों के साथ डंडे सोटे ले के वहाँ पर पहुँचे, रेड जोन उन्होंने क्रॉस किया है, दफ़ा 144 होने के नाफज होने के बाद भी इनको नहीं पूछा गया, इस बार आप क्या कहेंगे, ये सही हुआ है? नहीं सही हुआ, पुलिस ने गलत किया है, फजल रहमान ने गलत किया है, इमरान खान ने गलत किया है, जो गवर्नर उसपे उसने डंडे सोटे तोड़ फोड़ की है वो गलत किया है, गैर कानूनी है। वो तो इमरान खान ने बाद में कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा तोड़ फोड़ करें, पूरा मन एहतजाज करें, वो वैसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं पार्टी के बंदे हैं वो, बाज जब फटे जाते हैं ना तो वैसे कहते हैं। अच्छा अब आप क्या समझते हैं कि ये जो फजल रहमान को तो पूछा नहीं गया, रेड जोन में दाखिल हो जाए, यानी कि रेड जोन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाए वजीर आजम हाउस के, क्योंकि ये तो खुद भी हुकूमत में है, इन्होंने हुकूमत में होते हुए इन इदारों के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? एक कुत्ती चोरा ने रली हुई है, एक कुत्ती चोरा ने रली हुई है, सारा कुछ आपस ही गायब किया है, यही कहेंगे
अच्छा बंदा फिर सही कौन है जो इस निजाम को मैनेज कर? अल्लाह की जात है, सारे चोर ने, अल्लाह की जात सारे चोर ने, लगता अल्लाह ही हाफज है, कोई नहीं कर सकता। जेड़ा जोड़दा है बाहर, जेड़ा जोड़दा है बाहर, लंदन अमेरिका लंदन आपदे सारा कुछ बाहर पुर के राह लग जाते। अच्छा आपने ये जो रेडी लगाई हुई, आज से साल पहले आपका काम कैसा था और आज कैसा? बस ये कि तरले नाल दार भी लेने पैंदे ने, गाहक दी दाड़ी नू हाथ ला ते दार पे कमाई लैनी पैंदी, सत्ता नाल लड़ाई होंदी, सत्ता नू मिंत करनी पैंदी। अच्छा काम की आप बताएं, कोई बेहतर है या अभी से कोई काम नीचे गया या ऊपर गया, मामला सही है? दो कुमार लाया है, ये राती दा कुबई ती वेख जा सी सुते पे बाला ते जावीदा तो सुते न छड़ के मंडी चल जाईदा, संत दो दो महीनों के बाला मुंह ही नहीं वेख्या। सही है ना, दो दो महीने हो जाते हैं सुते अपन छड़ के मंडी जाईदा, धन वाले अद्धी राती घर ही जाईदा, पता नहीं हूँ काले हुए पैन के मेरे अड़के चिट्टे हुए पैन, नहीं लैन गए तो महंगाई टूटेगी, जो कर्जा लैन गए तो समझ आई ना, जो कर्जा लिया फिर हमको कर्जा लैन गए महंगाई होगी, जो कर्जा नहीं लैन गए। वो कर्जा भी इसलिए लेते हैं ना कि हम मामला को आसान करें, गरीबों को हम दें सब नहीं देते, डेढ़ बार के बाहर है और एक बड़े डेढ़ वाला नवाज शरीफ उत्थे बैठा है, उमरा करके बारो बार ही उत्थे चला गया, उरा बैम की होंदा सू उरा आ जावे। सुनाए कैसा काम जा रहा है? माशाल्लाह बड़ी रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ठीक जा रहा है जी। अच्छा आज से साल पहले आपका काम कैसा था और आज कैसा है, बेहतर आई है या कुछ अभी कम, क्योंकि महंगाई की सतह भी बहुत बड़ी है, लोग पीट रहे हैं, लो जी हमें आटा नहीं मिल रहा, मामला नहीं चल रहे, आप सुनाए आप कैसा चल रहा है? काम वैसा ही चल रहा है जैसे एक साल पहले था, महंगाई ऊपर आ गई है बस। अच्छा तो आपने भी उसके साथ साथ महंगाई की है? तो कर ही नहीं सकते, ये सब्जी फ्रूट वाले महंगाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टोर नहीं होता। ये जो आवाम है वो तो यही शिकवा करती नजर आती, ये सब्जी फ्रूट वालों ने कहराम मचाया हुआ है कि चीज़ों की जो है ना कीमतें बहुत बढ़ाई हुई, ये लोग खुद माफी हैं, हाँ जी इन्होंने खुद बढ़ाई हुई हैं, तो आप कहते हैं कि हम बढ़ा नहीं सकते। ये पांच ठेले वाले खड़े हैं इधर, एक एक दूसरे से सस्ता बेच रहे हैं सारे, ठीक है ग्राहक मेरी तरफ आए, इधर सब्जी फ्रूट वालों का मसला नहीं, कोई भी बेच रहा है वो अपने मुनाफे के बगैर तो कोई भी नहीं बेचता है ना, मुनाफा तो मिल रहा है ना, आप सारा दिन लगे नहीं तो आप सस्ते में कैसे बेचेंगे? बेच देते हैं, अगर ये माल बिकेगा नहीं तो आइंदा इसको बेचना तो है ना, फिर चाहे नफे में बेचें चाहे नुकसान में बेचें। अच्छा मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार किया है तो जो मुख्तलिफ लोग निकले हैं पीटीआई के, इनके खिलाफ FIR भी काटी गई, इनको पकड़ कर अंदर भी किया गया, कल मौलाना फजलुर रहमान निकला है बाहर, दफा 144 भी नाफिज है कि बंदे बाहर भी नहीं निकल सकते, उसके बावजूद इसको नहीं पूछा गया, इस पर आप क्या समझते, क्या यह सही किया गया? हम तो कुछ इस बारे में नहीं कह सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि सही कौन है गलत कौन है। अच्छा ये इनकी आपस की रंजिश लड़ाई है, हमें इससे क्या लेना देना। अच्छा आप शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देंगे कि मुल्क में बेहतरी किस तरह आ सकती है, कोई एक पैगाम दें? शहबाज शरीफ बहुत अच्छे लीडर है, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बेहतरीन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ही होनी है। आप इधर बाजार में खैरियत से आए हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं मुझे, क्या चक्कर है? घर का सौदा सप्ता लेने आया हूँ। अच्छा पंजाबी विच बोलो, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ इतने की करण आया जो तुम शहर घर का सौदा लेने आया? हूँ सुनाओ काम कुम कैसा जा रहा है, सही है हूँ तो इमरान खान नहीं ना है, हूँ दसो सानू यार। इमरान खान तो नहीं है पर वो जो कर्जे लगे लिख के दिता तो इस हुकूमत ने पूरे करने के नहीं, ठीक है इस बेचारी का की गुनाह, वो लुटेरे नहीं पुछते चुरे जाते हैं हम उगले फल लेंगे तो लिया घाट की है जी। अच्छा अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के वे ये काम कौन ही आया हूँ अगले आते उठ काटे जो कुछ आई घट ये गल उस कौन ही आई। अच्छा कड़ा ऐसा लीडर है हम सही बंदा है जरा समझे जो मुल्क न फायदा पहुँचा सकता है, सही लीडर है? लीडर चलना ही फायदा पहुँचा सकता है और लीडर कोई नहीं। जी इमरान खान को पकड़ा गया जी जी। तो जब पीटीआई के कारकुन निकले बाहर इनके खिलाफ FIR भी काटी गई, इनको पकड़ा भी गया, कल मौलाना फजल रहमान रेड जोन उसने क्रॉस किया है तो डंडे सोटे लेके अपने वारियों के साथ निकला है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई पूछा नहीं गया, आप क्या कहेंगे इस पर, क्या कौन सही है ये सही? इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये माहौल को खराब कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने आग लगाई है तो इस तरह का मामला, इन्होंने आग लगाई है ये जो पीटीआई के कारकुन है इन्होंने आग लगाई नहीं, है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने आग भी तो लगाई है ना, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं, कल मौलाना फजलुर रहमान निकला है अपने वारियों के लेके, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, पता नहीं इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन लेना चाहिए इनको। अच्छा हुकूमत को जी।